आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया के अंदर आज तफसीली दौरा किया गया है। इस दौरे के अंदर यहाँ के एरिया का नुमाइंदा कारपेटर जनाब आरिफ रिजवान साहब, साबिका हमारे कारपेटर नसरुल्ला साहब, अफजल साहब सीनियर लीडर, और इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर सब के सब आज नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के रेडिल्स के दौरे में थे। रेडिल्स का ये जो दौरा, हमारा मेन मकसद ये है कि हम अवाम में के दरमियान में जाना है, अवाम के जो भी छोटे मोटे मसाइल जो पेंडिंग है उसको हल करना है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की खास इंस्ट्रक्शन के ऊपर नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रेगुलर पूरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर डिवीज़न में दौरे चल रहे हैं। ये दौरे का मेन मकसद ही यही है कि हम अवाम के बीच में जाए। तो हमारा मेन ये है कि इंशाल्लाह ताला रेडिल्स डिवीज़न के अंदर जो भी काम आज छोटे से बताए गए हैं या जो भी काम है वो काम को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। इसीलिए मेरे साथ में GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिकसिटी, अदर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर सब के सब हमारे साथ में आज के दौरे में मौजूद थे। मैं तमाम ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जितने लोग भी आज दौरे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले, बस्ती वाले, मस्जिद कमेटी और दीगर लोग भी जो यहाँ पर मौजूद थे, इन सब के शुक्रिया के साथ साथ हमारी पार्टी के सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हूँ। वे आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और एक चीज़ जो एक ज़माने से नीलोफर हॉस्पिटल से अक्सर एक ओवरफ्लो हो जाता था, जिसको काफ़ी कोशिश जा रहा है।